हेलो भाई, स्वागत है आप सभी का निखिल नेगी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। और आज मैं आपको बताने वाला हूं दैट हाउ टू डू मिमिक्री ऑफ अजय देवगन। अजय देवगन की आवाज को सीखने के लिए क्या क्या टिप्स एंड ट्रिक्स करनी चाहिए आपको, जिससे आप इजिली तरीके से अजय देवगन की वॉइस को सीख सकें, और कैसे अजय देवगन बात करता है, क्या उसकी बॉडी लैंग्वेज है, किस तरीके से डायलॉग डिलीवरी है, वो आपको मैं बताने वाला हूँ। सो वीडियो में बने रहिए और स्टार्ट करते हैं सबसे पहले ट्रिक से कि आपको जो वॉइस रखनी है, एक जैसे अमिताभ बच्चन की वॉइस है, बेस है, नमस्कार देवियों सचनो, इस तरीके से उनकी वॉइस है, तो इसी तरीके से हमें अजय देवगन की वॉइस रखनी है। और बॉडी लैंग्वेज को कॉपी करना है, बॉडी लैंग्वेज को किस तरीके से कि वो अपनी जो है नेक, जो गर्दन है उसे थोड़ी टेढ़ी रखते हैं, जिससे क्या होता है कि कंप्लीटली एक बॉडी लैंग्वेज ये आप करेंगे तो आपके अंदर भी ऑटोमेटिकली वो चीज आना चालू हो जाएगी। So, सबसे पहले अपनी नेक को हल्का सा बैंड किया, देन एक बार बच्चन साहब की वॉइस से थोड़ा सा बेस कम करते हैं तो वो अजय देवगन के आसपास वो वॉइस आने लग जाती है, लाइक नमस्कार देवियों सचनो, लाइक अब इसको थोड़ा बेस कम करेंगे, नमस्कार देवियों सचनो। तो ये क्या हो रहा है कि ये बेस को कम करने से और थोड़े बहुत चेंजेस करने से पिच ऊपर नीचे करके, तो ये क्या होता है कि ये कन्वर्ट हो रहा है अजय देवगन में। उसका फिर कोई डायलॉग उठा लो या फिर उसकी जो हंसी है, ओए मैं क्या पाजी, मैं तो यही कहूंगा, एक तू सरदार और एक मैं सरदार, बाकी सब बेकार, ओए बात करते हो, सिर्फ एक होगा सपना, सिर्फ पेरी है, सिर्फ पेरी, और मैं सपना के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ मैं सपना के लिए, इट्स माय वे और स्काई वे, लूंगा जरूर लूंगा, लेकिन नारियल पानी लूंगा, आजकल वैसे भी बहुत ज्यादा बदनाम हो चुका हूं मैं तुम लोगों के चक्कर में, और यह की वजह से क्या जरूरत थी मेरा काम छीनने की, मैं कर रहा था ना विमल कैट, क्यों किया फिर। तो इस तरीके से आप बॉडी लैंग्वेज को और वॉइस को कॉपी करने की कोशिश करेंगे। एक डायलॉग ले लीजिए जिसको आप रिपीट कर सकें, और मैं तो ये कहता हूं कि जो भी आप डायलॉग लें या जो भी आप बात बोल रहे हो उस कैरेक्टर की वॉइस में, तो कोशिश ये करें कि जो आप नॉर्मल बातें भी करते हो तो उस कैरेक्टर में अगर आप करोगे, तो अगर आप उसकी वॉइस करना चाहो तो नेचुरल जो डायलॉग्स होते हैं उसमें भी कर सकते हो, ना कि सिर्फ उस एक्टर के जो फेमस डायलॉग है उनको लेके, ठीक है। लाइक समथिंग लाइक जैसे एक डायलॉग है, हमें तो पटो ने लूटा, घेरों में कहा धमता, मेरी किश्ती थी डूबी वहां जहां पानी कब था, अभी क्या है ये रटा रटाया डायलॉग है, इससे हटके थोड़ा बोल दिया, जब मैं छोटा बच्चा था बड़ी शरारत करता था, अब मैं बड़ा हो गया, अब मैं जुबा केसरी बोलता हूँ, बोलो जुबा केसरी बोलो। तो इस तरीके से क्या है कि आप उसके डायलॉग तो बोल रहे हैं, उसकी वॉइस को ट्राई कर रहे हैं, लेकिन अगर अदर डायलॉग्स बोलते हैं तो वो उससे क्या होता है कि आपकी वो वॉइस नेचुरल तरीके से रिएक्ट करने लगती है और वो आप अच्छे से और सीख सकते हैं। सो बेस लाना है, सबसे पहली बात तो बेस लाना है, उसके डायलॉग्स को कॉपी करना है, बॉडी लैंग्वेज को कॉपी करना है, किस तरीके से, चाहे वो अजय देवगन हो चाहे वो कोई भी किरदार हो, उसको कॉपी करना है बॉडी लैंग्वेज को। जो सबसे मेन बात है, अगर आप बॉडी लैंग्वेज को कॉपी करते हैं तो आधा काम तो आपका वैसे ही हो गया। बात आती है फिर वॉइस को अप एंड डाउन करने की, वॉइस को चेंज करने की, वो ऑब्जर्वेशन लानी पड़ेगी कि इसकी वॉइस अगर पतली है तो कितनी पतली है और कितने आसपास है, दूसरी वॉइस को मिलाने की कोशिश करो कि अगर आपने एक वॉइस सीख ली तो उससे रिलेटेड आप कौन सी दूसरी वॉइस सीख सकते हो। जैसे बच्चन साहब की सीख ली तो आप अजय देवगन की सीख सकते हो, अजय देवगन से आप अगर चाहो तो आप रणवीर कपूर की सीख सकते हो, हेलो गाइस दिस इज रणवीर, तो क्या है कि कहीं ना कहीं बेस आ रहे थे, बेस वाले ले लो एक तरफ कैरेक्टर, इस तरीके से। सो इसको सीखें और मुझे बताएं कॉमेंट में कि आपको अगली जो वॉइस सीखनी है वो किसकी सीखनी है, और मैं उस पर जरूर वीडियो बनाऊंगा। सो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, टिप्स एंड ट्रिक्स आपको लगा हो कि मुझे, मैं इस वीडियो को देख के इस वॉइस को अगर ट्राई करूं तो मैं सीख सकता हूं, तो कमेंट में आके मुझे बताइएगा कि आपने कितना सीख लिया या आप कितना सीखना बाकी है, और अगला क्या कैरेक्टर है आपके मन में जिसकी मैं ट्यूटोरियल बनाऊं। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।